अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आज नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंथन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस वक्त आशीष देशमुख ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी डर रहे हैं, उनकी मानसिकता पहले से ही हारने की हो गई है। आशीष देशमुख ने आगे कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों में डर है कि वह चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए सब चुनाव से बचते नजर आ रहे हैं। आशीष ने इस वक्त विकास ठाकरे और नाना पटोले का भी जिक्र किया और मोदी के नेतृत्व में फिर से चुनकर आने की बात की। बघा देशासाठी मोदीजींसाठी आणि मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये विकसित देश होण्याकरता भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांपासून सर्वोच्च नेते सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न बूथ पातळीपर्यंत करताना आपल्याला दिसतात। अतिशय उत्साह भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असताना काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते हे पराजित मानसिकतेमध्ये आहे, निरुत्साह त्यांच्यामध्ये आहे। कार्यकर्ते असो किंवा नेते असो, नागपूर लोकसभा लढलेले नाना पटोले इथून पळून गेलेले आहेत आणि आता ते स्वतःच्या गृह जिल्हा भंडारा गोंदियामध्ये देखील लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी घाबरत आहेत। विजय वडेट्टीवार देखील आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातून लोकसभेची निवडणूक लढण्याकरिता घाबरत आहेत। तीच परिस्थिती नितीन राऊत यांची देखील आहे आणि म्हणून पळ काढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते, प्रदेशाध्यक्ष असतील, विरोधी पक्ष नेते असतील, हे करताना आपल्याला दिसतायत। अतिशय मोठा खऱ्या अर्थाने निरुत्साह काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नेत्यांमध्ये त्यानिमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळतो। मी तर म्हणील आमच्या विदर्भाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांची लोकसभा निवडणूक लढण्याकरिता फाटलेली आहे। आशीष देशमुख ने आगे कहा कि 2-3 छुट्टियां है, इन दिनों से सारे प्रत्याशियों पर चर्चा हो जाएगी, जिसके बाद सभी प्रत्याशी 26 और 27 को अपना पर्चा भर देंगे। जस आमचे नेते देवेंद्र जी म्हणतात, आगे आगे देखिए होता है क्या, त्यासाठी किंबहुना वेळ लागलाय। उद्या आणि परवा हे फॉर्म भरण्यासाठी त्यानिमित्ताने सुट्टीचे दिवस आहे। याच दिवसांमध्ये लवकरच सर्व महायुतीचे उमेदवार जाहीर होतील। 26 आणि 27 तारखेला सगळ्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज महायुतीच्या मतदार कॅन्डिडेट्सनी भरलेले देखील आपल्याला पाहायला मिळते। फिलहाल कहां से कौन लड़ेगा इस पर सभी पार्टियां चर्चा करी है। 26 और 27 को कौन कौन सी पार्टी से फॉर्म भरता है यह स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।